सो हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि आप लोग कुछ दिन के लिए इंस्टाग्राम किस तरीके से बंद कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताने वाला हूँ, तो फ्रेंड्स ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए वीडियो स्टार्ट करिएगा। जैसा कि आप लोग कुछ दिन के लिए इंस्टाग्राम अकाउंट को डीएक्टिवेट करना चाह रहे हो, आप लोग टेम्परेरी के लिए आप लोग कुछ दिन के लिए बंद करना चाह रहे हो, तो कैसे बंद कर सकते हैं, चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और जो बगल में बेल आइकन है वो दबाना ना भूलिएगा, ताकि आने वाला हर नया अपडेट आप तक मिल सके। तो सबसे पहले क्या करिएगा, आप लोग इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करेंगे इस तरीके से, ठीक है। इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओपन करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद यहाँ पे राइट हैंड साइड में प्रोफाइल मिलती है, इस पर आप इस सेक्शन पे आपको क्लिक करना होगा, ठीक है। इस सेक्शन पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस नज़र आ जाता है। इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है एडिट प्रोफाइल, एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करिएगा। एडिट प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल जाता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन सेटिंग, ठीक है, सबसे लास्ट में, जैसा कि आप लोग देख पा लो नीले कलर में आना है, यहाँ पे शो हो रही है, इस पर आपको टच करिएगा। टच करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देख मिलता है कॉन्टैक्ट इन्फो और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ और आइडेंटिटी कन्फर्मेशन, ठीक है। यहाँ पे अकाउंट देखने मिलता है अकाउंट ओनरशिप एंड कंट्रोलर, ठीक है, इस पर आपको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद यहाँ पे देखना यहाँ पे देखने को मिलता है आप लोग कुछ इस तरीके का इंटरफेस, यहाँ पे देखना है दूसरे नंबर पर डीएक्टिवेशन और डिलीटेशन, ठीक है, आपको इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। आपको आपकी जितनी भी इंस्टाग्राम की आईडी होती है यहाँ पे शो हो जाती है, तो आपको अपना इंस्टाग्राम अकाउंट को इस तरीके जो भी आपको कुछ दिन के लिए बंद करना उस इंस्टाग्राम अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। इसके बाद यहाँ पे कई सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते थे, इसके बाद यहाँ पे देखने मिलता है आप लोगों को कुछ इस तरीके इंटरफेस, यहाँ पे देखना टेम्परेरी, ठीक, और यहाँ पे देखना परमानेंट, यहाँ पे देख मिला है। सो फ्रेंड्स यहाँ पे देख मिला डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेटिंग योर अकाउंट इज टेम्परेरी, ठीक है। और यहाँ पे दूसरा ऑप्शन देखने को मिलता है डिलीट अकाउंट, डिलीटिंग योर अकाउंट इज परमानेंट, ठीक है। तो आपको परमानेंट पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ टेम्परेरी पे ही क्लिक करना है इस तरीके से, ठीक है, पहले ऑप्शन पे। इसके बाद कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके इंटरफेस आता है नज़र। आप लोग अपना जो इंस्टाग्राम का जो पासवर्ड होता है वो आपको अपना इंस्टाग्राम का पासवर्ड डालिएगा, ठीक है। पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आता है नज़र। यहाँ पे देखने को मिलता है देखने को मिलता है डीएक्टिवेट योर इंस्टाग्राम अकाउंट, ठीक है। आप लोग अपना कुछ वो रीज़न होता है वो चूज़ करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन देखना 7 डेज के लिए ऑटोमेटिक रीएक्टिवेट हो जाएगा आपका ये अकाउंट, ठीक है। 7 डेज तक आपका ये अकाउंट होता है बंद रहेगा, ठीक है, और 7 डेज के ही बाद ऑटोमेटिक यहाँ पे रीएक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या करिएगा, यहाँ पे सिलेक्ट करिएगा और यहाँ पे आप लोग सिलेक्ट करना चाह रहे हो जितने दिन के लिए करना चाह रहे हो यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे 2 दिन 6 दिन 5 दिन जितने दिन के लिए करना चाह रहे हो वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मुझे 7 दिन के लिए करना है, मैं सिलेक्ट करता हूँ, डन करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे कंटिन्यू करिएगा। कंटिन्यू करने के बाद यहाँ पे देखने को मिला डीएक्टिवेट अकाउंट, डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करिएगा। डीएक्टिवेट अकाउंट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स थोड़ा सा आप वेट करेंगे और ये आपका इंस्टाग्राम अकाउंट कुछ दिन के लिए डीएक्टिवेट हो जाएगा, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हो, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग यहाँ पे 7 दिन के बाद आप लोग दोबारा लॉग इन करोगे 100% हो जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड मैंने अपना दूसरा अकाउंट को डीएक्टिवेट किया है, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से इस तरीके से करना चाह रहे हो यहाँ से कर सकते हो और यहाँ से आपका अकाउंट लॉग आउट हो जाएगा, ठीक है। फ्रेंड्स आपको कोई दिक्कत आ रही होगी इंस्टाग्राम को कुछ दिन के लिए बंद करने में या फिर कोई तकलीफ आ रही हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछना मत भूलिएगा, हम कमेंट का जल्द से रिप्लाई देता हूँ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।